अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक मोबाइल। आज फिर से हम लेके आए जी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़, इन्फिनिक्स स्मार्ट 7, जो कि मार्केट में अभी शॉर्टेज चल रही है और हमारे पास इसका अनलिमिटेड स्टॉक पड़ा हुआ है जी, बहुत खुला डुला स्टॉक पड़ा हुआ है। इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और साथ में इसकी स्पेसिफिकेशन भी बताएंगे, फर्स्ट लुक भी देखते हैं ये कैसी है, कैसी चीज़ नहीं है। सबसे पहले इसमें जो इन्होंने डिस्प्ले दिया हुआ है 6.6 इंच बिग डिस्प्ले है जी, एच डी डिस्प्ले दिया गया है। उसके बाद इसमें आ जाता है जी 13 मेगापिक्सल बैक कैमरा एलईडी फ्लैश के साथ, फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल वो भी एलईडी फ्लैश के साथ है। 3D टेक्सचर दिया गया है, बॉडी जो इसकी 3D उन्होंने बनाई हुई है। उसके अलावा 5000 mAh बैटरी के साथ और फेस लॉक और फिंगर लॉक के साथ। आते हैं जी इसके अनबॉक्सिंग की तरफ, खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है और कैसा कैसा दिया गया। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास मोबाइल स्मार्ट 7, इन्फिनिक्स स्मार्ट 7। कलर हमारे पास इसमें आया जी ग्रीन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कलर है और बहुत ही चल रहा है ग्रीन। ये बिल्कुल प्योर ग्रीन नहीं होता, ये बेसिकली ग्रीन आता है जी कॉस्टल ग्रीन। इसको निकाल के इसकी फर्स्ट लुक देखते हैं कैसी है। वाह, बहुत ही प्यारा फ़ोन है जी, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। डिस्प्ले भी बड़ा बिग डिस्प्ले है, उसके अलावा चीज़ देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। फिंगर सेंसर भी दिया गया है, कैमरा भी है, एवरीथिंग सारा कुछ है। इसके बाद देखते हैं जी इसके बॉक्स में और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। बॉक्स खोल के देखते हैं, इसके बॉक्स में हमें दिया गया है, कंपनी दे रही है जी इसकी बुकलेट दे रही है साथ में। उसके बाद हमें दे रही है कंपनी 2 वाट का चार्जर। इसकी जो केबल है वो कौन सी है, सी टाइप नहीं है, 8600 सिंपल केबल है। सिम इंजेक्टर आ जाता है, साथ में आ जाता है जी इसका पाउच, जो कि बाकी मॉडल्स में सिलिकॉन पाउच दिया हुआ है नरम वाला, इसमें प्लास्टिक का हार्ड पाउच दिया हुआ है। ये हार्ड पाउच है प्लास्टिक का। ये चीज़ें जी कंपनी हमें इसके साथ दे रही है, हैंड फ्री नहीं दी, हैंड फ्री निकाल दिया उन्होंने, जो कि अच्छी बात नहीं है। हैंड फ्री भी देनी चाहिए यार, जितने पैसे ले रही है कंपनी, इनको चाहिए कि हैंड फ्री भी दें साथ में। अभी हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है, ऑन होता है तो आपको इसका डिस्प्ले भी चेक करवाते हैं। एक्सटेंडेबल रैम का दे रही है सिस्टम, वो वैसे अजीब ही है, 6 रैम दे दें तो वो भी बेहतर है। इसमें उन्होंने रैम दे दिया जी 4 GB रैम दे दिया है और 64 GB मेमोरी है, लेकिन वो एक्सटेंडेबल रैम इसमें भी उन्होंने की हुई है। आपको दे रहे हैं जी वो एक्सटेंडेबल 3 GB रैम, मतलब कि 4 GB रैम है लेकिन जब लोड पड़ता है गेम के दौरान ये आप एक्सटेंड कर सकते हैं 3 GB, मतलब कि 7 GB रैम और 64 GB मेमोरी। मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है। उन्होंने फिंगर सेंसर भी दे दिया है, फेस लॉक भी दे दिया है और पासवर्ड भी दे दिया है, तीनों तीनों सिस्टम दे दिए हुए हैं जी। ये देखें जी, ये मोबाइल का डिस्प्ले वाइट डिस्प्ले में, बेसिकली वाइट करके इसलिए चेक करवाते हैं कि LCD का आइडिया हो जाता है। जो रिपेयरिंग वाले हजरात हैं ना, उनको तो स्क्रीन वाइट करके ही आइडिया होता है कि इसकी जो स्क्रीन है उसका रिजल्ट कैसा है। ये फुल डिस्प्ले किया, फुल ब्राइटनेस किया और इसका रिजल्ट है। अब खोलते हैं जी इसका बैक कैमरा, जो कि ड्यूल कैमरा है, एक 13 मेगापिक्सल कैमरा है और ये जी 13 मेगापिक्सल बैक कैमरा है, साथ 0.2 का सेंसर लगा हुआ है। ये 1x है, 2x पे हम जूम करके देखते हैं, इससे ज़्यादा जूम करके देखते हैं, ठीक है रिजल्ट, दिन की रोशनी में बेहतरीन है 1x पे भी और 2x पे भी। उसके अलावा इसमें हमें उन्होंने दे दिया जी AR शॉट दे दिया है, उसके अलावा हमें पोर्ट्रेट की ऑप्शन दे दी है, ब्यूटी कैमरा दे दिया है, AI कैम दे दिया है, वीडियो है, टाइम लैप है, मतलब के सारी चीज़ें ही आ जाती हैं। कैमरा अच्छा दिया गया, मुनासिब है कैमरा। उसके बाद अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो ये हमारा फ्रंट कैम आ जाता है जी, जो कि ये भी अच्छा है वीडियो में भी और ब्यूटी कैम में भी। ब्यूटी कैम में तो ऐसे लगता है आप हफ्ते के आए हुए हैं, तो हफ्ते बाद वीडियो बना रहे हैं तो भी बड़ा साफ रिजल्ट देता है।
रिजल्ट अच्छा देता है। ओवरऑल चीज़ देखी जाए जी, अच्छी है। फिंगर सेंसर उन्होंने बैक पे दे दिया है, क्योंकि कुछ मॉडल जो पहले आए थे उनमें जो हमने रिव्यू किया था, मोस्टली मॉडल का जो था फिंगर वो साइड पे दिया होगा था। इसमें उन्होंने फिंगर बैक पे दे दिया, बाकी फेस लॉक दे दिया है, पैटर्न वगैरह दे दिया है, पासवर्ड वगैरह आप लगा सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल स्पेसिफिकेशन जो इसकी है 7 GB 64 GB 13 और 5 कैमरा। और जो बड़ी बात एक आपको मैं भूल गया, याद आई है मुझे भी, कि इसके फ्रंट में जो है ना, फ्रंट कैमरे में भी उन्होंने फ्लैश दिया हुआ है। ये देखें, फ्रंट कैमरे में भी काफ़ी अच्छा LED फ्लैश दिया हुआ है, जो कि आप लाइट ना हो उसके दौरान भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बैक में तो हर कैमरे में दिया होता है, इन्होंने फ्रंट कैमरे में भी दे दिया, वो भी अच्छी बात है। उसके अलावा नॉर्मल चार्जिंग है, 2 वाट की चार्जिंग दी गई है। ड्यूल LED फ्लैश बैक पे है, सिंगल LED फ्लैश फ्रंट पे है, 13 और 5 कैमरा है, 5000 mAh बैटरी के साथ। बहुत ही अच्छी चीज़ और बहुत ही मुनासिब प्राइस में है। जिस भाई को चाहिए हो जल्दी से जल्दी, ये नीचे जो नंबर चल रहा है इस पर रब्ता कर सकते हैं। शॉप पे बैठे भी घर बैठे भी आप मंगवा सकते हैं। और अगर आप शॉप विज़िट करना चाह रहे हैं तो हमारी शॉप का एड्रेस है जी, मेन हाल रोड हसन सेंट्रल, ग्राउंड फ्लोर, शॉप नंबर 6। अब आते हैं जी इसकी प्राइस की तरफ और कलर की तरफ। हमारे पास जो स्टॉक में मौजूद है उसमें हमारे पास 3 कलर मौजूद है जी, ग्रीन कलर मौजूद है, ब्लू कलर मौजूद है और ब्लैक कलर, 3 कलर आए हैं और एक वाइट कलर, 4 कलर हमारे पास मौजूद हैं जी स्टॉक में। और अनलिमिटेड स्टॉक है, जिस भाई को जितना चाहिए हो, शॉप के लिए चाहिए हो या अपने यूज़ के लिए चाहिए हो, वो मिलेगा। अभी आते हैं जी इसकी प्राइस की तरफ। मार्केट में अभी जो इसका रेट चल रहा है, स्टॉक ना आने की वजह से, कंपनी के पास स्टॉक ना आने की वजह के, शॉर्टेज होने की वजह से इसका 34,000 35,000 रेट चल रहा है। लेकिन हमारे से ही आपको डिब्बा बैग फोन मिलेगा जस्ट 29,500 रुपये का, 29,500 रुपये का ये डिब्बा पैक फ़ोन आपको मिलेगा। जिस भाई को चाहिए हो वो रब्ता कर सकते हैं जी। मिलते हैं जी कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए मोबाइल फ़ोन के साथ, एक नई डील के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दे जी, अल्लाह हाफिज़।